उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी हार स्वीकारी है। हालांकि राज्य में कमेटी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने अफसोस जताया है। रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने से पहले रावत ने कहा, मैं सोनिया गांधी का सामना कैसे करूंगा। एक लंबी फेसबुक पोस्ट में रावत ने अफसोस जताया कि उन्होंने उन सभी कांग्रेस नेताओं को निराश कर दिया जो पहाड़ी राज्य में सरकार बनाने के लिए निश्चित थे। उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, जबकि कांग्रेस ने केवल 19 सीटें जीती और आप एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। मैं समझता हूँ ये समय जो है चीज़ों को हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई है तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड और यदि जिस लेवल पर हुई है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए या तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने सबने अपने अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव